नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस में। भाई आईपीएल में वानखेड़े का मैदान रनों का अंबार लगाने के लिए परफेक्ट वेन्यू बना हुआ है, जहां इस ट्रैक पर खेलते हुए ऑलमोस्ट सभी टीम्स ने 190 प्लस का स्कोर तो खड़ा किया ही है। और आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं सीजन के 18th मैच को, जो खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वंस अगेन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अब मोटा मोटी बात करें तो दोनों टीम्स करंट सीजन में चार चार मैचेस खेल चुकी हैं और महज एक एक मैच ही जीत पाई हैं। जहां कोलकाता हार की हैट्रिक लगा चुकी है, तो वहीं राजस्थान फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे बैठी हुई है। इन शॉर्ट, करंट सीजन में दोनों ही टीम्स स्ट्रगल करती दिख रही हैं। बट क्या कहते हैं दोनों टीम्स के प्रीवियस स्टैट्स, आइए राजस्थान और कोलकाता का हेड टू हेड कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो भाई दोनों टीम्स के बीच टोटल 23 मैच खेले जा चुके हैं, जहां 10 मैच राजस्थान रॉयल्स जीती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स 12 बार झंडा गाड़ चुकी है और एक मैच अबेंडन रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर की बात करें तो राजस्थान का मैक्सिमम स्कोर रहता है 199 रन, तो केकेआर का मैक्सिमम स्कोर रहता है 191 रन। मिनिमम स्कोर की बात करें तो राजस्थान का मिनिमम स्कोर है 81 रन, तो कोलकाता का मिनिमम स्कोर है 85 रन। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहां पे राजस्थान का एवरेज स्कोर रहता है 148 रन, तो केकेआर का भी एवरेज स्कोर 148 रन ही रहता है। अब इन स्टैट्स को कंसिडर करें तो अभी तक दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस मोर और लेस सिमिलर ही रही है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केकेआर के खिलाफ राजस्थान आखिरी बार 2019 में जीती थी और लास्ट सीजन दोनों ही मैचेस कोलकाता के नाम रहे थे। ऐसे में आज का बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि इस मैच में हम रसल की तूफानी पारी एक बार फिर देख पाएंगे या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और आईपीएल के मैचेस की इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए वीडियोस को शेयर करते रहें। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं मैच के वेन्यू पर। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। जैसा कि हम यहां पर देखते आए हैं, टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करती है। रीजन बीइंग कि टोटल 8 मैचेस में फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम 5 बार मैचेस जीत चुकी है। तो दोस्तों इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक बार फिर टॉस जीतकर कैप्टेंस पहले बॉलिंग करना पसंद कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर की बात करें तो ये दोनों ही स्कोर पंजाब के नाम रहे हैं। 221 रन मैक्सिमम स्कोर रहा है तो 106 रन मिनिमम स्कोर यहां पर रहा है। साथ ही दोस्तों यहां एक और बड़ी बात आपको बता दें कि 8 मैचेस में 6 बार स्कोर अब 180 का रहा है और देखा जाए तो इस ट्रैक पर राजस्थान और कोलकाता दोनों ही 200 प्लस का स्कोर कर चुके हैं। एंड वंस अगेन हम एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। अब यहां पर बात करें पिच पर बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो दोस्तों टोटल 90 विकेट्स बॉलर्स अभी तक ले चुके हैं, जहां पेसर्स के नाम रहे हैं 77 विकेट्स, तो स्पिनर ने चटकाए हैं महज 13 विकेट। ये तो हुई बात वेन्यू की, चलिए अब नजर डाल लेते हैं टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर और ढूंढते हैं इनके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स। शुरुआत करते हैं टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से। कप्तान ईयर मॉर्गन की लीडरशिप के अंदर टीम लगातार 3 मैचेस हारी है, बट चेन्नई के खिलाफ कोलकाता का एग्रेसिव साइड देखने को मिला था, जहां दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल और पैट कमिंस ने समा बांध दिया था। 245 के स्ट्राइक रेट से 22 बॉलों में 54 रन ठोकने वाले रसल शानदार फॉर्म में दिखे थे, मगर इनको सैम करन ने चकमा दिया था और पवेलियन भेज दिया था, जिसका हर्जाना शायद अब राजस्थान को भुगतना पड़ सकता है। नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी, जो कि ऑलमोस्ट हर मैच में तेजी से रन बनाते दिखे हैं, इस बार भी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। लास्ट मैच में सुनील नारायण की भी दोस्तों यहां पर एंट्री हुई थी, बट बल्ले से वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, बट विकेट निकालने में सक्सेसफुल रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा, पैट कमिंस और कमलेश नागरकोटी यहां पर अगर बॉलिंग अटैक थोड़ा और मजबूत कर लेते हैं तो टीम डेफिनेटली सीजन की दूसरी जीत हासिल कर सकती है। अब यहां पर हम गौर करें दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स पर, तो दोस्तों शिवम दुबे, रियान पराग और राहुल तिवतिया ने बैंगलोर के खिलाफ इस बात को प्रूव कर दिया है कि टीम महज कप्तान संजू सैमसन, जॉश बटलर और डेविड मिलर पर डिपेंड नहीं करती है। बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर खड़ा होता है कि आखिर मनन वोरा को कब तक प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी। चांसेस हैं कि अगले मैच में इनकी जगह यशस्वी जायसवाल को टीम में इंक्लूड किया जाए। साथ ही ट्रैक को देखते हुए वंस अगेन हम जयदेव उनादकट को श्रेयस गोपाल से रिप्लेस होते देख सकते हैं। गौर करें इनके बॉलिंग अटैक पर, तो स्टैट्स को देखते हुए टीम डेफिनेटली चेतन साकरिया और मुस्तफिजुर रहमान पर डिपेंड होगी। रीजन बीइंग के दोनों ही प्लेयर्स कंपैरेटिवली दूसरे बॉलर से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते रहे हैं।
अब यहां पर आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर से हर कोई उम्मीदें लगाकर रखता है और ऐसा ही कुछ क्रिस मॉरिस के साथ भी हो रहा है। बट फिलहाल मॉरिस एक ही मैच में धमाल मचा पाए थे और अगर ये आगे भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनकी वर्थ पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं अपने एनालिसिस के कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, दोनों ही टीम्स ने लास्ट मैचेस में वीकनेस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी शो किए हैं। बट इनका यहां पर कंपैरिजन करें तो नो डाउट कोलकाता का बैटिंग लाइनअप राजस्थान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और बॉलिंग के मामले में दोनों ही टीम्स ऑलमोस्ट इक्वल स्टैंड करती हैं। सो इन दैट केस इस मैच में कहीं ना कहीं कोलकाता के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग ये मैच कौन जीत सकता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के वीडियो पर लगाते हैं फुल स्टॉप, फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।